हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। दो क्लासेस हमारे चैनल पर चलती है, एक सुबह 11 बजे चलती है जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व पेपर करते हैं, और एक शाम 7 बजे इस टाइम होती है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो गया, EVS हो गया, SST हो गया, और भी जो सब्जेक्ट छूट रहे हैं उन सब्जेक्ट की भी क्लासेस धीरे धीरे चलाई जाएंगी, स्टार्ट की जाएंगी। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, सभी को गुड इवनिंग। चलिए भैया, सभी लोग फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ क्लास में। सुमन पाल, आलोक रंजन, गौरव, खुशी, निहारिका, राजेश, वंदना, लक्ष्मी, सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। 11 बजे क्लास हुआ था वंदना जी, चैनल पर जाकर देख सकती हैं। सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप सीटेट का फॉर्म डाल दिए हो या अगर अभी नहीं डाले हो तो जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो साइट वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है, फिर फॉर्म फिलअप हो नहीं पाता है। तो जितनी जल्दी हो सके तो आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद में आप कोई भी बुक्स वगैरह या सॉल्ट पेपर बुक्स वगैरह लेने में मत फंसो। बहुत पैसे की आती है, 400-500 रुपए की सॉल्ट पेपर आती है, फिर गाइड बुक 300-400 की आती है, फिर अलग से आप प्रैक्टिस बुक खरीदोगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोई भी बुक्स वगैरह नहीं खरीदना है, आपको लेना है केवल इंपॉर्टेंट नोट्स जिसमें केवल सेलेक्टेड चीजें दी रहा है। फालतू चीजें आपको पढ़ने का समय भी बहुत नहीं होता है बहुत लोगों के पास, और दूसरी चीज, फालतू चीजें पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड चीजें पढ़ो, खासकर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनका एक दो बार एग्जाम हो चुका है बट नहीं निकला है, या फिर बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, एक दो घंटा मुश्किल से निकाल पाते हैं, उनके लिए नोट्स बहुत सफिशिएंट होने वाला है। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कुछ भी अलग से कोई किताब जरूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए। इसमें केवल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट निचोड़ चीजें आपको दी गई जो पढ़ने लायक है। पेपर वन का भी नोट्स हमारे पास है और पेपर टू का भी है। पेपर टू में जिसका SST है उसको SST का नोट्स मिल जाएगा विद थ्योरी विद सॉल्यूशन, और जिसका साइंस मैथ है भाई उसको साइंस मैथ का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन विद थ्योरी विद प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ मिल जाएगा मात्र 199 रुपीज का अभी ऑफर चल रहा है। बस बहुत जल्द दोस्तों इसकी कीमत 249 होने वाली है, तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि सर मुझे सीटेट पेपर टू या पेपर वन का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। इतना लिखकर जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डालोगे, आप सभी को नोट्स वगैरह की पूरी डिटेल और नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लो। इस नोट्स में थ्योरी दिया गया है, थ्योरी पढ़ लो जल्दी जल्दी आप लोग, तो हमारे क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। तो चलिए भैया क्लास को शुरू करें हम, क्वेश्चन लगाएं, तैयार हो सभी लोग। तो चलिए, पहला चैप्टर हमारा रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र, यानी कि CDP के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट यहां पर लूंगा। उसके बाद हिंदी होगा, फिर SST होगा, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। तो 30 में कम से कम 20 प्रश्नों का उत्तर सही देना है आपको। सभी लोग शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन है CDP का, देखिए प्रश्न संख्या एक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे संबंधित, किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, बताइए। प्रश्न देखिए क्या है फिर से, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, जल्दी से बताइए। सभी लोग शेयर करें, निहारिका जी बहुत बढ़िया, रश्मि मिश्रा, प्रियंका, मनोज भाई बहुत बढ़िया, नगमा वेरी गुड, वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 45 लोग आ चुके हैं, 100 लाइव वॉचिंग का टारगेट है, 100 लाइव स्टूडेंट जुड़े क्लास में। और ये कैसे जुड़ेंगे, आप लोग जब शेयर करोगे क्लास को तभी भैया ये संख्या बढ़ेगी और संख्या में इजाफा होगा। तो सब लोग शेयर करो व्हाट्सएप पर एंड लाइक करो। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर देखिए आना स्टार्ट हो चुका है, वन का क्या हो जाएगा, निहारिका का सबसे पहले जवाब आया है, फिर प्रियंका का आया है, बहुत बढ़िया वेरी गुड, DK का भी जवाब सही आया है, श्रियांशी का भी उत्तर सही है, जावेद भाई गलत हो जाएगा, सरिता जी गलत जवाब हो जाएगा, गो विथ फ्लो बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्या हो जाएगा भैया, धैर्य और दृढ़ता जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो बहुत आसान है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता, इस स्थिति से निपटने
का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा उस शिक्षक के लिए जो लोकतांत्रिक स्वभाव रखता है और हर स्टूडेंट को यह स्वतंत्रता देता है कि वो क्लास में किसी के भी साथ बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, चाहे तो वो ग्रुप में बैठ सकता है, चाहे वो अकेले बैठ सकता है। लेकिन एक अभिभावक को अगर ये चीज नहीं पसंद आता है तो इस चीज से निपटने के लिए वो क्या करेगा? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से उत्तर करें आप सब लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने सरल भाषा में क्वेश्चन समझा भी दिया है, जल्दी से जवाब दो। सभी लोग शेयर करो भैया, शेयर नहीं करोगे तो समझ लो गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो आप लोग, क्योंकि क्लास का कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, बस आप अपने मन से शेयर कर दो, यही हमारे लिए बहुत है। दो नंबर का जवाब बी और ए, पुष्पा कुमारी बी आंसर कर रही है, निहारिका जी बी आंसर आ रहा है, डीके का बी आंसर आ रहा है, कुछ लोग ए भी जवाब दे रहे हैं, प्रियंका बी आंसर आ रहा है, बी देख लेते हैं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग भाई, ऐसे ही आंसर करते रहो भाई। तीन नंबर देखो, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? भाई क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब देखते हैं, सबसे पहले किसका जवाब सही आएगा। सपना कुमारी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा बहुत बढ़िया। लक्ष्मी क्या हो जाएगा उत्तर तीन का? चंद्र प्रकाश भाई, खुशी सिद्दीकी बहुत अच्छा। काजल कुमारी आंसर क्या हो जाएगा थ्री का? उम्मीद है हर एक स्टूडेंट ने क्लास को शेयर किया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर करें शेयर व्हाट्सएप पर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा तीन नंबर का जवाब? चलिए जवाब आना स्टार्ट हो चुका है, क्या हो जाएगा भैया? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है भैया बताइए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड झूलन, गुड इवनिंग। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चार का जवाब बताइए सब लोग। फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष कुमार भाई, आयुष बहुत बढ़िया, माया वेरी गुड बहुत अच्छा, झूलन बहुत बढ़िया, जरीन, श्रियांशी, शमा, राजेश भाई बहुत बढ़िया। चार नंबर का उत्तर बताओ, फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन का मानचित्रण संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ही मन का मानचित्रण संबंधित होता है भैया, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांच है, हाँ पांच देखो, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है इन चारों में से बताइए? चलिए बताइए, आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर फाइव का? दीप्ति कुमारी बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा पांच नंबर का जवाब दीजिए? नुजहत शेख बहुत अच्छा, फाइव का राइट आंसर, पांच नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी तक जवाब नहीं दिखाया किसी का। प्रियंका का सी आंसर आया है, और लोग बताओ सी होगा? कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, क्या हो जाएगा? जावेद का सही जवाब आया है, रश्मि का उत्तर सही आया है, निहार का गलत हो जाएगा इस बार, झूलन सही है, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्वेश्चन नंबर छह का जवाब बताइए सब लोग, सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जवाब दीजिए, सभी लोग शेयर करें क्लास को, संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं तो? सभी लोग WhatsApp पर क्लास को शेयर करें, और लाइक की संख्या भी बहुत कम है, हर चीज के लिए आप लोगों से कहना पड़ेगा, सभी लोग लाइक करें क्लास को। चलिए डीके भाई बहुत बढ़िया, चंद्र प्रकाश बहुत अच्छा, वेरी गुड काजल, उत्तर क्या हो जाएगा छह का? कहां बारिश हो रही है भाई? क्वेश्चन नंबर छह बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए छह का उत्तर आया है, ए और बी में आंसर आ रहा है।
ए काफी सही होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर जाति प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे पूरा नाम क्या है, जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। बताइए, अभी आया था ना क्वेश्चन, तीसरे चौथे नंबर पर यही क्वेश्चन था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में बोल दिया गया, वहां पर वो शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया था। 7 नंबर का उत्तर बताओ, 7 नंबर का राइट आंसर गलत नहीं होना चाहिए। विष्णुदेव भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड मनोज, क्या हो जाएगा उत्तर 7 का? सेवन का राइट आंसर सरिता, सरिता का जवाब आया है जी, और बताओ सपना कुमारी, यहां पर वर्ष भी बताया गया साथ में, ठीक है, वर्ष भी बताया गया इसमें। ए आंसर आ रहा है काजल का, निहारिका का, सुमन का, ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उसके ऊपर, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, चार ऑप्शन दिया गया है, जवाब दीजिए सब लोग। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 8 नंबर का जवाब, 8 का राइट आंसर, 8 का भैया क्या हो जाएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यद कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए सब लोग, 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भाई बताओ सब लोग, 9 नंबर का उत्तर, निधि कुमारी गुड इवनिंग, टाइम से सब लोग क्लास में आओ, 7 बजे क्लास चलती है डेली, चलिए बताइए क्या हो जाएगा उत्तर 9 नंबर का जवाब, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का डी बिल्कुल सही है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषता नहीं मानना चाहिए पूछा गया है, एकमात्र संस्थान सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही नहीं होता है जहां से बच्चा सीख सकता है। अधिगम का क्या मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है साथियों सीखना, कुछ सीखना, ठीक है, तो एकमात्र संस्थान केवल क्या, बच्चा केवल शैक्षिक संस्थानों से, विद्यालय स्कूल कॉलेजों से ही सीखता है, नहीं, आसपास के वातावरण, अपने परिवार के परिवेश, हर चीज से सीखता है बच्चा, तो एकमात्र यही नहीं मानना चाहिए विशेषता, आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, चार ऑप्शन दिया गया, पढ़िए और जवाब दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा उत्तर 10 का, 10 नंबर का जवाब बताओ सब लोग, 10 है, चलिए सभी लोग शेयर भी करते रहे क्लास को, चलिए बिल्कुल सही चल रहा है सब लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा निधि जी, क्या हो जाएगा 10 का, 10 का देखो भैया, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी अगर 5वीं कक्षा का कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कोई भेदभाव अलग तरीके से नहीं व्यवहार करना चाहिए, जैसे आम बच्चों के साथ किया था वैसे पेश आइए उनके साथ, और श्राव सीडी यानी कि सुनने वाले सामग्रियों का प्रयोग करें उनको सिखाने के लिए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है देख नहीं सकता है। अगला देखो 11 नंबर है, निम्न से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, नहीं है पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, काजल जी वंदना वेरी गुड, राजेश भाई बहुत बढ़िया, श्रियांशी वेरी गुड, नुजहत बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, नगमा बहुत अच्छा, 11 का जवाब,
11 का क्या हो जाएगा? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सन्निध यानी संगीत की आवश्यकता, यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी यहां पर आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो बी वाला बिल्कुल सही, बाकी सारे सही है। देखिए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता बिल्कुल सही है। अगला देखो 12 नंबर है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताओ सब लोग। 50 और 60 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्लास, बस इतने ही बच्चे सीटेट का फॉर्म डाले हैं। बताइए पता नहीं कितने बच्चों को मैंने बीएड एंट्रेंस की तैयारी कराई है, ज्यादातर बच्चे हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस की तैयारी किए हुए जो बीएड कर रहे हैं, इस बार भी बीएड में एडमिशन लिया बहुत लोगों ने पहले से एडमिशन करा रखा है, फाइनल हो चुका है, लेकिन बस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, संख्या नहीं बढ़ रही है ना। सभी लोग शेयर करो तो और मजा आए भाई पढ़ाने में और पढ़ने में भी, सभी लोग शेयर करिए क्लास को। क्या हो जाएगा 12 का उत्तर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 13 नंबर है, डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको भैया? एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्या जाएगा रिक्त स्थान पे? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए विशाखा निहारिका, बिल्कुल पता है, बहुत बढ़िया कृष, बहुत अच्छा, वेरी गुड सरिता, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब 13 का उत्तर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़ो और बताओ निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है इसमें से। बताइए 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह जो पूर्वापूर एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बिल्कुल ये भी जो लक्षण है एक बुद्धिमान बच्चे की है, यह भी एक लक्षण बुद्धिमान बच्चे की है, और वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है यह भी एक बुद्धिमान बच्चे की लक्षण है। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है भैया? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दो, 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जो लोग अभी भी क्लास को ज्वाइन किए हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें क्लास को। चलिए बिल्कुल देखिए सही जवाब आ रहा है 15 नंबर का उत्तर, यहां पर डी आंसर कुछ लोग कर रहे हैं, और लोग बताओ 15 का डी, डी डी काफी लोग आंसर कर रहे हैं, डी देख लेते हैं। बिल्कुल जिन प्याजे बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो नेक्स्ट है 16 नंबर, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह क्या दर्शाता है भाई? बताओ, एक लड़की है जो घर में बहुत कम बोलती है लेकिन विद्यालय में बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है, यह क्या दर्शाता है? 16 नंबर का जवाब दो सब लोग, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा उत्तर? 16 नंबर का जवाब, 16 का सी आंसर आ रहा है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही रीजन हो सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया विष्णुदेव, बहुत बढ़िया डिल्लू कुमार, विशाखा, बहुत अच्छा लक्ष्मी, वेरी गुड डॉली पांडे, जावेद, निक्की तिवारी, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा जवाब? 17 का जवाब दो सब लोग, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर नगमा जी बताइए, पूजा कुमारी, 17 नंबर का उत्तर सी आंसर आ रहा है, सी आंसर बिल्कुल सही, शिक्षा मनोविज्ञान, सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जल्दी से उत्तर करो, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
18 नंबर का जवाब बताइए सब लोग। अट्ठारह का उत्तर क्या हो जाएगा? सी और डी में आंसर आ रहा है। सी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्या सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा जो है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है? नहीं, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बिल्कुल आपका सी वाला बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग प्रयास करते रहो। अगला देखो, 19 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार शब्दावली की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं सब लोग। रूपम कुमारी बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीके भाई बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है या करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, तो सही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, 20 नंबर है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत तेजी जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। क्या हो जाएगा 20 का जवाब? और सीडी में कितने क्वेश्चन सही गए हमें जरूर बताना। हर सब्जेक्ट का आप लोग कॉमेंट करके बताएगा कितना सही गया। चाहत नाजीर बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग, 20 नंबर का जवाब दो, 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो जाएगा 20 का जवाब? 20 का राइट आंसर बहुत बढ़िया बी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। ऐसे ही आप लोग भैया आंसर करते रहिए। 21 नंबर देखो, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है भाई बताओ? 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आंसर करेगा 21 का? 21 का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? सीखने का सदृशता नियम, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? निहारिका जी बताइए 22 का राइट आंसर। काजल वेरी गुड, रश्मि बहुत बढ़िया, राजेश भाई बहुत अच्छा, विशाखा वेरी गुड, माया कुमारी, देखिए 22 का उत्तर बताइए। 22 का क्या हो जाएगा? दूसरों के साथ झगड़ना, यही जो एक है रीजन जो प्रतिभाशाली ना होने का संकेत है। बाकी अव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार, ये सभी प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों या शिक्षार्थियों के लक्षण है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये संकेत नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, 23 का जवाब दीजिए सब लोग। शरताज भाई बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जवाब 23 का? क्या हो जाएगा? उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ जो विशेष स्पेशल जिनको नीड होती है केयर करने की, ऐसे बच्चों को शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य समान बच्चों के साथ ही करानी चाहिए, इसी को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला देखो, 24 नंबर है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। भैया किसके प्रति सचेत होना चाहिए बताइए? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर, जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी फोर का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? बी आंसर आ रहा है,
शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके प्रति सचेत होना चाहिए। अगला देखो 25 नंबर फिर आ गया, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? एक बार जरूर यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताओ। सुमन पाल बहुत अच्छा, बताइए क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर। जितने लोग यहां पर जवाब 25 का आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे यहां पर जवाब बी और सी दे रहे हैं। पठन विकार बिल्कुल सही है, बी वालों का सही है। डिस्लेक्सिया जो है एक छोटे बच्चों में पाए जाने वाला एक विकार है, जिसमें बच्चा जो है पठन विकार से ग्रसित होता है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत आती है उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जवाब क्या हो जाएगा? सविता मौर्य बताइए। हेलो, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26? का राइट आंसर क्या, कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी। बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है 27 नंबर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। अरविंद कुमार भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, 27 का उत्तर बताइए। सत्ताईस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, श्रेयांशी बहुत अच्छा, डॉली पांडे, शरिता, निहारिका, रूपम, काजल, नुजहत, क्या हो जाएगा 28 का जवाब? शेयर भी करिए क्लास को भाई, 50 पे रुका हुआ है क्लास, सभी लोग शेयर करो। कब पूरा होगा, कब 100 लोग आएंगे क्लास में? हाँ आएंगे भी या नहीं आएंगे, हाँ बताइए, सब लोग शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सही जवाब है, डी हो जाएगा, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं समवयस्क समूह में? पूछा गया है। 29 नंबर का जवाब, 29 का जवाब, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 29 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया, किशोरावस्था। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दो, किसके द्वारा की गई है भैया? चलिए बहुत अच्छा, एक लाइक की कमी रह गई है, मात्र एक लाइक की कमी और है 50 लाइक कंप्लीट होने के लिए। तो भैया जिस किसी ने लाइक ना किया हो, भैया कोई एक स्टूडेंट क्लास को लाइक करके 50 लाइक कंप्लीट करा दो, हमें भी अच्छा लगेगा। सभी लोग देख लो जिसने लाइक ना किया हो, जिसने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर आना चाहिए जल्दी से, अभी और क्वेश्चन करने हैं। 30 का बहुत अच्छा, सी, क्या जिन प्याजे के द्वारा? सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग बताइए भैया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक है, सीडीपी में क्या स्कोर गया हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिंदी, आ जाते हैं अब हिंदी पे आ जाते हैं फटाफट। तैयार हैं सब लोग हिंदी के क्वेश्चन के लिए? तैयार हैं, बताइए कितना सही गया 30 में? चलो हिंदी करते हैं अब, हाँ रेडी हो? जावेद का 30 में 19, पुष्पा का 25 सही गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। निहारिका का भी 25 सही गया, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलो भाई बाकी लोग कमेंट में बता देना, आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, देर हो जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर बताओ फटाफट आप लोग। चलिए शेयर भी करते रहिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है हिंदी।
जल्दी से शेयर करो क्लास को और लोग बुलाओ। एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर वन, चलिए आंसर करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षीय जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो भैया क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, काफी सहायता देता है। बहुत बढ़िया, सी करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से उत्तर करके बताओ। दो नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो का राइट आंसर बताइए फटाफट सब लोग। कुछ लोग केवल सीडीपी देकर गायब हो गए, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मैं सभी सब्जेक्ट का टेस्ट लेने के लिए यहां पर खड़ा हो जाता हूं एक से डेढ़ घंटे पढ़ाने के लिए, और आप लोग आधे घंटे में थक के चले जाते हो। बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दो, दो का डी, डी काफी बच्चों का आ रहा है, देख लेते हैं डी। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? दृष्टिबाधित बच्चा है तो भाषा सिखाते समय बिल्कुल मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर बोलकर आप पाठ पढ़ाओ, बोलकर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, आप उसको उच्चारित भी करते रहे, उसको बोलते भी रहे, ताकि हर बच्चे के साथ साथ जो बच्चा देख नहीं सकता है वो भी समझे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है तीन नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब क्या हो जाएगा? 30 नंबर का जवाब तरन्नुम रसूल, बहुत बढ़िया। रूपम वेरी गुड, विशाखा बहुत अच्छा, डॉली, विष्णुदेव, शमा, माया कुमारी, अमन भाई बहुत बढ़िया, राजेश गुप्ता। तीन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री का क्या हो जाएगा? बी, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियों तक कविता, विदेशी साहित्य नहीं, यही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो। अगला देखो, फोर नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? ये जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पैडागोजी पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 15 नंबर का हिंदी का पैडागोजी आता है, 15 क्वेश्चन, उसी में बच्चे फंस जाते हैं। बाकी दो गद्यांश आते हैं, गद्यांश से क्वेश्चन निकल जाता है आंसर उसका, लेकिन यहां पर फंसते हैं बच्चे पैडागोजी में, ठीक है? तो इस पर आप लोग फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। क्या हो जाएगा राइट आंसर चार का, बताइए। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर बस आप बी टॉपर सर्च कर लेना, ठीक है? हमारे चैनल का नाम सर्च करोगे, इसी चैनल के लोगों का लोगो एक मिलेगा, वही हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? वहां पर इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। चलिए बहुत बढ़िया, शेयर भी करते रहे सपना जी, बहुत अच्छा। चार का उत्तर जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांच है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया आपसे। नेहा बहुत अच्छा, पांच नंबर का उत्तर बताऊं। रानी कुमारी, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो। क्वेश्चन नंबर पांच, पांच 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 का उत्तर क्या हो जाएगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ये सबसे कम प्रभावी तरीका है, आपका ऑप्शन है। बाकी अपने अनुभव का वर्णन करना, ये भी काफी कारगर है। बातचीत करना, इंटरेक्शन कराना, ठीक है, और संवाद कराना, ठीक है, तो सारे जाएंगे। अधिकतर प्रभावी है ये, जो कम प्रभावी है केवल यही चार में से एक ऑप्शन बचा है जो आपका कम प्रभावी है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, छह नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण, बताइए। क्वेश्चन नंबर छह का जवाब, छह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णुदेव, डाली पांडे, पूजा, सरिता, जवाब दीजिए छह का। छः छः का उत्तर क्या हो जाएगा? विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न पंक्ति प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, नहीं ये पूछा गया है। तो पहले बात नेगेटिव है क्वेश्चन,
और सबसे पहला नेगेटिव मुझे क्या मिला, कंठस्थ कराना, याद कराना रटाने से मतलब है, ठीक है। तो रटन प्रणाली नहीं अपनाना, तो कंठस्थ जो है आपका ये शब्द जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हो सकता है और भी नेगेटिव वर्ड हो। दैनिक जीवन में हिंदी में समझाने तथा बोलने की क्षमता का विकास, कोई नेगेटिव नहीं है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है पूछा जा रहा है उद्देश्य, नहीं आपका यहां पर यही हो जाएगा, कंठस्थक नहीं कराना है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जवाब दो सब लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, चाहत जी बताइए, आंसर करिए। निहारिका बहुत बढ़िया, 7 नंबर का जवाब, जावेद भाई सभी लोग शेयर करो भाई, 55 लोग आए हैं क्लास में, शेयर करें, 100 लोग जुड़ना है भैया, शेयर करोगे तभी संख्या बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो समृद्ध भाषिक वातावरण बनाना, ठीक है। तो ये डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा डायरेक्ट किसे महत्व देंगे, चलिए जवाब दीजिए सब लोग, देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सबसे पहले सही जवाब किसका आएगा। सबसे ज्यादा किसे महत्व दिया जाएगा बताइए, चलिए सबसे पहले निहारिका का आंसर आया है, करेक्ट आंसर आया है, बहुत अच्छा। फिर डिल्लू कुमार का आया है, जरीन गलत हो जाएगा आपका, सोनू सही उत्तर है, नेहा गलत हो जाएगा, चाहत आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। लक्ष्मी गलत हो जाएगा, चलिए बिल्कुल, शमा जी बिल्कुल सही है, ए सही हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, बहुभाषिक कक्षा है, ध्यान दीजिएगा, शर्ताज बहुत 7 नंबर पे चल रहे हो आप, पीछे चल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं हम लोग, सभी लोग शेयर करिए क्लास को, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमांशु मिश्रा कहां थे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, 9 का क्या हो जाएगा, किसको कम महत्व देना है पूछा गया है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ये सब तो महत्व देना ही है भैया, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी सही है, बच्चों को सीखना सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इसको बहुत कम महत्व देना चाहिए, यही चीज सही है आपका, ऑप्शन डी, डी सही है, बहुत अच्छा। अगला देखो, 10 नंबर है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, यही सब पूछा जाता है भैया हिंदी शिक्षण शास्त्र में, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए सब लोग, वेरी गुड, 10 नंबर का उत्तर देखिए आना स्टार्ट हो चुका है, चलिए देखते हैं भाई, रानी कुमारी, पुष्पा कुमारी का बिल्कुल सही जवाब आया है, रानी बहुत अच्छा, श्रेयांशी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाठों की संख्या, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, पाठों की संख्या, बाकी सारे सही हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता 4 ऑप्शन दिया गया, जवाब दो, सबसे पहले कौन उत्तर करेगा, 11 का राइट आंसर दो, कीर्ति सिंह, वंदना बताइए 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भाषा, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए, 60 लोग क्लास में आ चुके हैं, 60 लोग हो चुके हैं, अब 40 लोगों की कमी है, बताइए सभी लोग शेयर करेंगे, जल्दी से शेयर करो भैया, 40 ये और आ जाएंगे ना, मजा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा, इतनी दिन से जो मेहनत कर रहा हूं, आप लोग 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट करा दो बस, और इतने लोग मिलकर ना कंप्लीट करा पाओ तो फिर कैसे हो पाएगा बताइए, क्या 12, हाँ 12 पे हैं हम लोग, 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, 13 नंबर है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाब दो, 4 ऑप्शन दिया गया, उत्तर करें सब लोग, रश्मि बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
सोनू सिंह, शमा, क्रिश, विशाखा, माया, लक्ष्मी, वेरी गुड, नेहा, प्रियंका, रूपम, श्रियांशी, निहारिका। 13 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर हो जाएगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं रहते हैं, भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मानना है कि जब भी बच्चा शुरुआती दौर में बच्चा पढ़ने आता है तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल शून्य होता है, शून्य बच्चा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ लेकर ही आता है पढ़ने के लिए। और जिसको कहते हैं अर्जित करना, जो चीज़ें वो अपने आसपास के वातावरण, अपने पारिवारिक माहौल से जो अर्जित करता है, वो कुछ ना कुछ वही चीज़ें लेकर आता है और उसी से कनेक्ट करते हुए हमें उनको आगे बढ़ाना होता है, उनको पढ़ाना होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है जो भी उदाहरण दो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों को पेश करो ताकि वो कनेक्ट कर सके अपने जीवन से उस चीज को। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा अर्जन जो होता है वो हमें आसपास के वातावरण, अभी जो मैंने बताया ना, जो आप सीख कर आते हो ऑलरेडी, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको सिखाता है वो कहते हैं अर्जन। और जो आप कुछ माइंड सेट करके आप कुछ चीजें जाते हो सीखने, आप विद्यालय आ रहे हो तो आप एक लक्ष्य बनाकर आ रहे हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नई नई चीजों को सीखना है, मुझे पढ़ा लिखा बनना है, तो आपका एक माइंड सेट होता है ना कि कुछ सीखने के लिए आ रहे हो। तो जब कोई चीज़ आप ये सोचकर जा रहे हो कि हाँ मुझे सीखना है, उसी को कहते हैं अधिगम। और ठीक है, जो आप बिना सीखे कुछ चीज़ें सीख जाओ उसी को कहते हैं अर्जन। तो अर्जन और अधिगम में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत बढ़िया, 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, बी आंसर आ रहा है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। मैंने समझाया ना कि भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है, सब अर्जित करते हैं कुछ ना कुछ, आसानी से सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, उसी को कहते हैं अर्जन। और जो भाषा अधिगम होता है, जो सीखना हो तो प्रयासपूर्ण होता है, जब आप प्रयास करोगे, कॉलेज जाओगे, पढ़ोगे, तभी कुछ चीज आप सीख सकते हो। तो अधिगम जो है प्रयासपूर्ण है और अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो, 15 नंबर है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि शब्द का प्रयोग करती है। मंदिरा, चार ऑप्शन दिया गया, जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो दोहरा लिया करो भाई, बताइए। सभी लोग शेयर करें, 60 पे रुक गया क्लास, अब नहीं जरूरत है, अब नहीं शेयर करेंगे आप लोग, बताइए। सभी लोग शेयर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वहां मुझे आम बहुत पसंद अच्छा लगता है, या कहती है मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो 15 का क्या हो जाएगा? मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है? नहीं, वो तो पूरा सेंटेंस बोल रही है ना, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। जिस तरीके से वो बोल रही है तो ऐसा नहीं है कि केवल लिंग के आधार पर, मैं थक गई हूं भी बोल रही है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, यानी हर चीज बोल लेती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल लेती है। ऐसा नहीं है केवल मैं, क्यों, वह मुझे भी वाला भी बोल लेती है ना, मैं थक गई भी बोल लेती है, लेकिन मुझे भी बोल लेती है ना, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, बिल्कुल जिस तरीके से वो दो सेंटेंस बताएंगे उस हिसाब से बिल्कुल डी सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सामाजिक अध्ययन आ गया, SST। ठीक है, चलो भैया, 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं हिंदी पैडागॉजी के, कितने क्वेश्चन सही गए हमें कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। चलिए, हिंदी पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने करा दिए इंपॉर्टेंट, कितना स्कोर गया बताइए। अब हम करेंगे SST, स्कोर बताइए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, बताइए। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग। रानी कुमारी, बहुत बढ़िया। जावेद, वेरी गुड। जरीन, बहुत अच्छा। नेहा, काजल, विशाखा, गुंजन, उत्तर क्या हो जाएगा? वन का राइट आंसर। कीर्ति सिंह, पुष्पा, चलिए पुष्पा का 15 में 4 सही गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वेल डन। गो विथ फ्लो, 15 में 12, बढ़िया स्कोर है। माया कुमारी, 25, 15 ही क्वेश्चन कराए थे, 25 कैसे सही गया। निक्की तिवारी, 15 में 11, बढ़िया है।
निहारिका 15 में 13, बढ़िया है, बहुत अच्छा स्कोर है। चाहत 15 में 14, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? वन का क्या हो जाएगा? वन का हो जाएगा एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, एक उद्योग द्वारा उद्योग उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, एक मॉल जो उत्पाद बेचता, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है, यही सही हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का उत्तर बताओ हिमांशु भाई, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? शेयर भी करते रहो क्लास को भाई थोड़ा थोड़ा, आप लोग जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यापार। व्यापार बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएचसी का क्या अर्थ है? पीएचसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए। पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा दोपहर का? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। भारतीय मानक समय रेखा होगा 3:30 बजे दोपहर का, बी करेक्ट है। अगला देखो, 5 है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश डैश कहलाती है, जवाब दो। 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर करिए। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताओ क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक में, किसमें? पितृसत्तात्मक कहलाता है, इसी को ही पितृसत्तात्मक कहलाते हैं, जिसमें केवल पुरुष ही मालिक होते हैं, पिता ही मुखिया होता है घर का। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशिस्त के बारे में गलत है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छह नंबर का राइट आंसर बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नेहा जी बहुत अच्छा, सविता, कीर्ति, जावेद भाई बहुत बढ़िया, तरन्नु वेरी गुड, हिमांशु बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा उत्तर 6 का? 6 नंबर का जवाब के बारे में गलत है। देखो, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से यह ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, प्रशस्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, के बारे में गलत है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है, यही बात सही है ना। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, कभी कभी राजा स्वयं इसको लिखते थे, ये भी सही है, ठीक है। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत भी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, जितनी भी प्रशस्तियां मिली हुई हैं वो उस काल की मूल्यवान स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने के लिए। डी है, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धि का वर्णन किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ किया जाता है, तो डी वाला जो है यही गलत हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा, डी करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? बताओ, जवाब दो सब लोग फटाफट, आंसर करो, क्या हो जाएगा उत्तर? कुछ भी टफ नहीं है रश्मि जी, आसान है, देखो कितना आसान है। अब क्या प्रशिस्त के बारे में आप नहीं जानती है? बताइए, हिस्ट्री में कितना कुछ पढ़ डाला आपने। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो, शेयर भी करते रहिए क्लासों, संख्या कम हो गई है क्लास में, सभी लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है? तो देखो, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों का लक्ष्य बनाना ये उद्देश्य है, हाँ बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइट्स पर उत्पादों का विज्ञापन देना, वाणिज्यिक लाभ के लिए
उद्देश्य नहीं है। जनसाधारण के सदुपयोग की ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों का व्यवस्थित रहने हेतु प्रेरित करना है, ये सही है। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसीलिए उनकी अवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलता है, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं इसके। अगला देखो नेक्स्ट है 8 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो सब लोग, 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए 8 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। बहुत बढ़िया, 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं सही हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भावनाओं का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से उत्तर पढ़े बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। डिल्लू कुमार भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सरताज, पूजा कुमारी, माया, नागेंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जो भी लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास चलती है सीटेट एग्जाम की। कीर्ति सिंह बहुत बढ़िया, झूलन वेरी गुड, सपना, रश्मि, क्या हो जाएगा उत्तर, 9 नंबर का जवाब दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर, समाज में अद्भुत वस्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें अच्छे कर्म किए जाए, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक भावनाओं का निर्माण करवाया गया, शक्तिशाली बना रहे थे, तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। सी आंसर कितने लोग दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं, सविता जी का जवाब है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा, सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं सब लोग, 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, दस का उत्तर क्या हो जाएगा, वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए, प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, बिल्कुल यही सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनना है, तो देखिए चलिए मिलान करिए फटाफट। बहुत आसान है ना, मत्स्य पालन, मछली पालन हो जाएगा, उद्यान कृषि, इसमें क्या आ जाएगा, एक कृषि है, एक उद्यान कृषि है, ध्यान दीजिएगा, एक कृषि है, उद्यान कृषि है, फूल फल और सब्जियां उगाना, फसल उगाना और खेती करना, किसमें जाएगा ये बताइए। देखो उद्यान कृषि जो जाएगा वो फल फूल और सब्जियां उगाना मतलब हो गया, कृषि हो गया फसल उगाना और खेती करना, और बचा द्राक्षा कृषि, तो ये अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, हाँ ए का हो गया दूसरा, बी का हो गया तीसरा, सी का हो गया चौथा और डी का हो गया पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला आपका ऑप्शन ए में है, सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया श्रेयांशी, शिवी बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो नेक्स्ट है 12 नंबर, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का जवाब बताओ, बारह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। हिमांशु भाई बहुत बढ़िया, विष्णुदेव, रूपम, शर्ता, शरिता जयसवाल बहुत बढ़िया, 12 का जवाब, 12 का क्या हो जाएगा, वे इनकी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए जो किलेबंदी करवाते थे, तो बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है 13 नंबर, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, क्या हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो और डेली क्लास करना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13
13 का क्या हो जाएगा, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। तो क्या हो जाएगा, जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तो उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे, निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण है? नहीं है, देखिएगा लास्ट में क्या कहा गया, नहीं है। 14 नंबर का जवाब दो। यानी तीन कारण थे उनकी समाप्ति का, एक नहीं था, वो आपसे पूछा गया है। बताइए नेहा जी, कीर्ति बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुशी बहुत अच्छा, सोनू बहुत बढ़िया, नागेंद्र भाई बहुत अच्छा, जरीन, चाहत, रूपम, 14 नंबर का जवाब बताओ। चौदह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौदह का आंसर आया है कृष्ण का बी, विशाखा का बी, सरिता सी, 13 का दे रही है। अच्छा चलिए, डिल्लू का सही है, बहुत बढ़िया, विष्णुदेव बहुत अच्छा, सपना कुमारी बहुत बढ़िया, बी बी काफी लोग जवाब देने, देख लेते हैं भैया। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, हाँ ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, बाकी सारे कारण हैं, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए, ठीक है, फिर नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदियां बढ़ गई, ठीक है, तो यही बिल्कुल सही है, बी। अगला देखो नेक्स्ट है 15 नंबर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बताओ, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर करें सब लोग। पंद्रह नंबर का राइट आंसर बताइए, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, क्या हो जाए, इधर से क्या होता है कि इधर से जब बोर्ड से खड़े रहो तो सही से दिखता नहीं है एग्जैक्टली लिखा क्या है, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको, ठीक है, बाकी उनकी कृषि उत्पादन में गिरावट आई ऐसा नहीं था, बेरोजगारी शोषण ये सब नहीं था, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी को, सभी लोग अपना स्कोर बताओ, SST में कितना सही गया, 15 क्वेश्चन मैंने SST भी आपसे कराया है, तो बताओ स्कोर क्या गया आपका, SST का स्कोर क्या गया, कमेंट करके बताओ SST के 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही गए आपके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी सभी लोग, भैया डेली क्लास में टाइम पर आया करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने नोट्स को परचेज नहीं किया है, क्वेश्चन ज्यादा गलत जा रहे हैं तो एक बार आप नोट्स लेकर थ्योरी वगैरह पढ़ डालो तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नोट्स की कीमत मात्र 199 रुपए है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, पेपर 2 में आपका SST है तो SST मिल जाएगा, साइंस मैथ हो साइंस मैथ का मिल जाएगा, पेपर 1 के भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, जो भी चीजें मिल जाएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज अभी के अभी करो मुझे इस क्लास के बाद, ठीक है। सुबह 11 वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।